Great leader, supreme leader, probably the best leader of Argentina. He's a 7-time Ballon d'Or winner, probably 8 now. He has been right up there, one of the best players of all time. Matlab, he had the chance to play for Spain, yet he chose to play for Argentina. Kitna achha khelta tha, wo us cheez se define hoga ki baaki log kitna batayenge. True. He's finally getting that appreciation and recognition. What's up everybody, welcome back to Bro Sports. Where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. और आज हम बहुत ही triggering question को answer करने वाले हैं. Messi versus Maradona, who's the greatest footballer to come out of Argentina? Let's begin. तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. एक होगी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और दूसरी होगी सब्जेक्टिव एनालिसिस. तो स्टार्ट करते हैं हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में, जिसमें आएंगे स्टैट्स, आएंगे अचीवमेंट्स, आएंगे टाइटल्स, आएंगे क्या क्या जीते. सो बेसिकली स्टैट्स से स्टार्ट करते हैं. तो क्लब स्टैट्स की बात करें तो मैराडोना ने 343 मैचेस खेले हैं, हैव स्कोर्ड 159 गोल्स एंड 82 असिस्ट दिए हैं. वेयर एज मेसी, ही हैज प्लेड 850 प्लस मैचेस, 700 प्लस गोल्स एंड 300 प्लस असिस्ट्स. राइट. और बाय द वे ये स्टैट्स हैं ट्रांसफर मार्केट से लिए गए हैं. हाँ, हाँ. क्योंकि मैराडोना के एक्चुअल स्टैट्स आर काइंड ऑफ डिस्प्यूटेड जस्ट लाइक पहले, क्योंकि उस टाइम पे इतनी अच्छी ट्रैकिंग नहीं होती थी, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी. तो यार मतलब हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है फॉर श्योर. नाउ कमिंग टू द स्टैट्स फॉर द नेशनल टीम, उसमें मैराडोना ने 80 मैचेस खेले हैं, हैव स्कोर्ड 29 गोल्स एंड 16 असिस्ट. मेसी की बात करें तो उसने 170 प्लस मैचेस खेले हैं, हैव स्कोर्ड ऑलमोस्ट 100 गोल्स नाउ एंड 50 प्लस असिस्ट. राइट. तो भाई अदर स्टैट्स वाइज तो मुझे लगता है कोई कंपैरिजन है. एग्जैक्टली. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि हमारी जनरेशन से आधे लोग जिन्होंने ज्यादा फुटबॉल नहीं देखा है, उनको पता भी नहीं होगा कि मैराडोना के सिर्फ 29 गोल्स है अर्जेंटीना के लिए. मतलब उसकी लेगेसी वॉज बिल्ट ऑन दैट वर्ल्ड कप एंड यू नो ऑब्वियसली उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इज अनपैरेलल्ड फॉर द कंट्री एंड द इमोशन दैट ही जनरेटेड फॉर श्योर. बट स्टैटिस्टिकली मेसी का कोई comparison is miles ahead. Exactly. So now let's come to their achievements. Kya titles jeete? Starting with Messi, he's a 7-time Ballon d'Or winner. Probably 8 now. वर्ल्ड कप जीत चुका है, कोपा अमेरिका जीत चुका है, 4 बार यूसीएल जीत चुका है, 10 बार ला लीगा जीत चुका है, लीग वन एक बार जीत चुका है, अब प्रॉब्ली 2 बार जीत जाएगा, फिनालिज्मा जीत चुका है, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुका है एंड अंडर 20 वर्ल्ड कप भी जीत चुका है. वेयरएज अगर हम मैराडोना की बात करें तो उसने वर्ल्ड कप जीता है, 2 बार सेरिया जीता है, अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता है एंड फिनालिज्मा जीता है. अब देखो इसमें हमने सिर्फ मेजर टाइटल्स लिए हैं, कप वगैरह टाइटल्स नहीं लिए हैं. तो ऑन एंड ऑल देखें तो मेसी ने 39 क्लब ट्रॉफीज जीती हैं एंड मैराडोना ने 11 क्लब ट्रॉफीज जीती हैं. राइट. और इंटरनेशनली स्पीकिंग मेसी नाउ after the World Cup victory has won every tournament he has played for Argentina. Exactly. Right from the under 20 days to now. Mm-hmm. तो मतलब वहाँ पे भी कोई अब सोन अनटर्न रह नहीं गया मेसी के साइड से. So statistically and title wise we can clearly see that there's a big gap between Messi and Maradona in favor of Messi. But यहाँ से हम आते हैं अपने subjective part of analysis के वीडियो पे. क्योंकि यार देखो दो errors को compare कर रहे तो सिर्फ stats से काम नहीं चलेगा. So the first point for the subjective analysis for me would be leadership. Okay. Maradona was always considered as a great leader, supreme leader, probably the best leader of Argentina. And rightfully so because he led them to World Cup glory. जो emotional connect था, जो leadership skills थे उसके, that were unparalleled. Now on the other hand, to contrast it with Messi, he was never considered as a good leader. In fact, Maradona ने खुद कितनी बार कहा है? हाँ, true. कि भाई वो ना leader नहीं, leader material है ही नहीं वो. But I think he took them to 4 finals, and now that he is giving results of late, winning 3 trophies with Argentina, now people are slowly recognizing the great leader that he truly is. And I think it is not just restricted to Argentina, but the whole world basically. Exactly. The whole footballing world is now acknowledging that Messi has always been a good leader. It's just that पहले वो finals में आके choke कर जाते थे for whatever reason, but now that they've crossed that line and you know achieved that ultimate glory, the success is showing. And not taking anything away from Maradona, obviously he was a great leader, but we're just saying that Messi is also right up there now. हाँ मतलब Maradona अगर यहाँ था और Messi को पहले यहाँ consider करते थे तो वो भी अब level पे आ गया. Exactly. ऐसा नहीं है कि Maradona का level कम हो गया. Just to put it out straight. तो यहाँ से हम आते हैं अपने second point पे, which for me will be the narrative of the people and the media, especially in Argentina, because वहाँ पे Maradona was always considered as a man of people as opposed to Messi who was always considered as a man of corporate. Now what I mean by that statement is Maradona born and brought up in Argentina, bahut time tak wahan pe khela hai, wahan pe World Cup jitaya tha. Right. He always had that sort of an emotional connect with the people. By usko the drug mein pakda gaya tha, drug case mein he matlab usko jail nahi hui kyunki log nahi chahte the. Right. Isse zyada bada aur example kya chahiye of emotional connect, of the emotional power that you have over people. To wo bonding was unparalleled. And on the other hand Messi left for Barcelona at the age of what, 12 13 14 उसने अपने पूरे टीनेज के टाइम से वो बार्सिलोना में रहा है. सो ऑब्वियसली ही विल नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ कनेक्ट विद द पीपल देयर. एंड कई लोग कहते थे कि भाई मतलब ही हैड द चांस टू प्ले फॉर स्पेन येट ही चोज टू प्ले फॉर अर्जेंटीना. मुझे लगता है उसके एंड से हमेशा दिस वाज क्लियर दैट अर्जेंटीना इज सुप्रीम फॉर हिम, बट दूसरे एंड से रेप्लिकेट नहीं होता था फॉर द पीपल ऑफ अर्जेंटीना. सो आई थिंक वो भी अब नाउ दैट वी सी दैट दे हैव वन द वर्ल्ड कप, वो 5 मिलियन जो लोग थे एंड हाउ दे आर प्रेजिंग मेसी, मतलब वो नोट्स पे मेसी का वो फोटो आने की भी बात चल रही थी, रूमर्स है जो भी थे. कभी कभी लगता है कि अब उन्हीं भगवान है, बट सच
is the love that he's getting now, and he's finally getting that appreciation and recognition for the commitment and sheer dedication that he has displayed towards the country. और ये जो emotional connect है ना, ये बहुत normal है यार होना Maradona का ज़्यादा, क्योंकि see when he was playing in the Argentine leagues, obviously जब Argentine लोग रोज जाके उसको देख पा रहे हैं तो ज़्यादा relate कर पाएंगे उससे. और Messi वहाँ पे Spain में था तो क्या पता यार कई लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि telecast से नहीं हो पाते matches वहाँ पे. मतलब लोगों के दिमाग में शक होता है ना कि चलो पैसों के लिए चला गया या फिर और glory के लिए चला गया, are we not good enough? Is our country not good enough to play? तो वो हमेशा वो खोट रहती है दिल में. And I think this question is best answered by the Argentinians themselves. ठीक है, उनसे ज़्यादा नहीं पता होगा, हम लोग तो as third party यहाँ पे सोच के analyze कर सकते हैं. But this point is specifically for the Argentinians. But I think that this argument or this fallacy has also been addressed by Messi by a large extent. और अब जो है क्योंकि वो वर्ल्ड कप जीत चुका है तो things are very normal. And then again, I won't say कि Maradona कुछ कम हो गया है, but Messi बहुत पास आ गया उसके. Is what I mean. यहाँ से आते हैं third point पे, which for me would be longevity. Okay. और यार longevity में भी मुझे मतलब I don't think there's an argument है. क्योंकि यहाँ पे respectfully to Maradona, this is that one point where Messi totally thrashes him. Maradona was Maradona for like what 10 years, but Messi has been Messi for almost 2 decades. Exactly. Now. And that is a big difference. He has been right up there, one of the best players of all time, maintaining that tag for over 2 decades, almost 2 decades to be honest. वो बहुत मुश्किल है यार. मतलब अभी we are saying कि 35 के चे वो World Cup जीता है in the way that he did. मतलब हर stage of the tournament में तो man of the match award ले रहे हो, goal मार रहे हो हर knockout match में, and then final में भी तुम्हें man of the match मिल रहा है, golden ball मिल रही है. Exactly. दो only player to win 2 golden balls, and अब probably अपना 8th Ballon d'Or भी जीतेगा इस साल at the age of 36. So इससे ज़्यादा और क्या proof चाहिए longevity का? और यहाँ से हम आते हैं अपने फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट पे, विच इन माय ओपिनियन इज द नॉस्टैल्जिया फैक्टर. क्योंकि जो सब्जेक्टिव चीजें होती है ना उसमें ये चीज बहुत ज्यादा किक इन करती है. या द थिंग इज कि जो ओल्डर जनरेशन है ना उसने मैराडोना को ज्यादा देखा है. एंड फॉर मी ऑल्सो लाइक अगर मैं फ्यूचर में जाके कोई बच्चा मेरे साथ कहेगा आपको पता है रोनाल्डो कुछ नहीं है और नया बंदा ज्यादा अच्छा है, मैं तो यही कहूंगा ना कि नहीं यार रोनाल्डो तुम जानते नहीं हो उसके जिस लेवल पे खेलता था वो, क्योंकि मेरा इमोशनल कनेक्ट है उसके साथ. तो ये जो चीजें ना ये हमेशा रहेगी. और इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है क्योंकि हर किसी का जो रिलेटिविटी होती है वो हर किसी और के साथ ज्यादा होती है. मतलब ये पॉइंट तो हमेशा मैराडोना के साथ ही रहेगा. टिल द पॉइंट मेसी इज एक्चुअली 70 इयर्स ओल्ड एंड फिर हमारे से 2-3 जनरेशन और आगे वाली बात आ जाती है. एंड आल्सो द फैक्ट इज ना कि जो ओल्डर जनरेशन होती है जब नए लोग आएंगे और उन्होंने उस प्लेयर को नहीं देखा होगा तो ऑलवेज एक वो रहेगा मतलब कि ये अच्छा खेलता था बट मैंने देखा नहीं है. हाँ, तो कितना अच्छा खेलता था वो उस चीज से डिफाइन होगा कि बाकी लोग कितना बताएंगे. तो वो जो मिथ सॉर्ट ऑफ चीज होती है ना वो हमेशा रहेगी रहेगी. बट ठीक है ये तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब लास्ट थॉट्स देते हैं. इन योर ओपिनियन हु इज बेटर नाउ, हु इज द ग्रेटेस्ट Argentinian footballer of all time? See, with all due respect to Maradona, but I think the debate is now very clear, and I think it is in the favor of Messi. See, जो हम लोग अभी channel start किया है, इसके वजह से हमें भी काफी एकदम objective होके and you know like एकदम unbiased होके opinion देना पड़ता है. I respect your opinion if you say that it is Maradona, but honestly, I think it's Messi and it's very clear. मतलब as for me also, obviously I have been biased towards Messi. किसी बात किसी से छुपती नहीं है, मैं बहुत openly बोलता भी हूँ. But I even objectively speaking, I see no reason why Messi is not now a better player than Maradona. Results की बात कर लो, stats की बात कर लो, glory की बात कर लो. So I think on all fronts Messi has overtaken him. And ठीक है वो nostalgia वाला factor रहेगा and probably we will realize that once we are also 40 years old and 50 years old. तो वो उस चीज़ से हम comment नहीं कर सकते. But हाँ logically speaking, objectively speaking, I think Messi has surely surpassed Maradona and now is the greatest Argentinian football, possibly the greatest footballer of all time. So that's it for today guys. We hope you like the video. Do like, share, subscribe और bell icon भी दबा दो. आप हमें comment करके बताना कि क्या आपके opinion में भी Messi Maradona से better है. Besides हम Twitter, Instagram और Facebook पे भी हैं, तो हमें वहाँ पे भी check कर लो. And we'll see you guys in the next video.